सदन में जन समस्याओं पर पार्षदों की आवाज उठाने का अधिकार दबाने के विरोध में भाजपा पार्षदों ने निगम सभापति को अपनी पीड़ा सुनाई। वहीं ज्ञापन सौंप कर कहा, 20 जुलाई की विशेष सम्मेलन में प्रश्नकाल व अन्य कार्यसूची निरंक करना पूरी तरह गलत है। आर्थिक जनगणना व जाति प्रमाण पत्र संबंधी दो सूत्री एजेंडों को लेकर नगर निगम द्वारा 20 जुलाई को आहूत की गई विशेष सम्मेलन में जनता की आवाज दबाने नियम अधिनियम विपरीत मनमाने पूर्ण ढंग से विशेष सम्मेलन का नाम देकर जनहित में पार्षदों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नकाल व लोक महत्व के विषयों को एजेंडे की कार्यसूची से निरंक करने के विरोध में सोमवार को भाजपा पार्षदों ने निगम सभापति राजेश यादव से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बयां की और ज्ञापन सौंपते हुए इस बैठक को निरस्त कर साधारण सभा करने या संशोधित कर प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को एजेंडे में जोड़ने की मांग की। इस अवसर पर वरिष्ठ पार्षद गायत्री साहू, नरेंद्र बंजारे, काशीराम कोचरे, चंद्रशेखर चंद्राकर, देव नारायण चंद्राकर, नरेश तेजवानी, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष भाजपा पार्षदों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सामान्य सब बुलाया गया जाति प्रमाण पत्रों को लेकर, है ना, इसमें शहर की ज्वलंत मुद्दों को भी रखना था, इसको रखे नहीं है इन लोग। अपनी तानाशाही कर करके पार्षदों को बरगला करके सब काम अपना निकाल रहे हैं लोग। मेरे वार्ड में अभी की हाल की बात है, पहली बारिश में इतना पानी भरा रेलवे किनारे वाली है और इतने गरीब लोग हैं वहाँ पर, इसकी कोई हद नहीं है। इतने इतने पानी में, जंगा तक के पानी में वो लोग रहे, खाना बनाने को नहीं, सांप निकल रहे हैं वहाँ पर, हर एक प्रकार की समस्या थी। चार दिन से फोन लगा रहा था मैं, महापौर को भी अवगत कराया, कमिश्नर को भी अवगत कराया, लेकिन चार दिन के बावजूद भी कोई 10% का भी रिजल्ट वहाँ पर नहीं दे पाए थे। और वहाँ पर मलबा डालना था या फिर डस्ट डाल के वहाँ पर सीलिंग कर देना था थोड़ा सा। रेलवे की बात है, रेलवे में बड़ा अधिकारी आता, वो बात करता, उसमें भी नहीं, कोई अधिकारी गया नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं, है ना। सिर्फ दिखावटी सरकार है ये, बिल्कुल दिखावटी सरकार। कहीं पर से सिर्फ नगर निगम की धड़कन चल रही है, वो भी पूरा लकवा ग्रस्त है। महापौर के द्वारा अभी सामान्य सभा मीटिंग जो बुलाई गई है, यह मीटिंग में सभी पार्षदों को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। यह अधिकार को छीन करके महापौर जी अपना मनमौजी कर रहे हैं। दुर्ग शहर पूरा तहस नहस हो गया है, ना पानी मिल रही, पानी मिल रहा है शहर को। यह अभी बारिश के समय में पूरे क्षेत्र डूबा हुआ था, मेरे शक्ति नगर के वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 17 पूरा नाली का सफाई नहीं होने के कारण से डूबा हुआ है। और महापौर मस्त है, अभी अपने कक्ष को बनवा रहे हैं, उसी पैसा को जा करके वार्डो में 50,000 रुपए दे देते, कम से कम छोटा मोटा गड्ढा है उसको रिपेयरिंग हो सकता था। महापौर अपना तानाशाही कार्रवाई का काम कर रहे हैं, इसका हम विरोध करने के लिए आए हैं। बहुत सारी है, जिस सम्मेलन को सभी पार्षदों को क्वेश्चन उठाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हर वार्ड में पूरी समस्या है, पूरे दुर्ग में समस्या है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि पूरे दुर्ग की समस्या को दरकिनार करके महापौर तो अपने कक्ष बनाने में लगे हैं, लोगों को 50,000 रुपये पैसा नहीं दे पा रहे हैं गड्ढा पाटने के लिए, पाइप के लिए, नल के लिए, या अपने कक्ष बनाने में 5-5 लाख रुपये खर्चा, क्या जरूरत थी कक्ष बनाने की? लोगों के सुख दुख में साथ दे महापौर, ऐसा खड़े हो जाते हैं कि मतलब लोग निरंकुश सरकार है, कोई ताकत नहीं सरकार में, सिर्फ जनता की एक एक बात को दरकिनार करते जा रही है। माननीय महापौर सभापति के द्वारा वो संबंध जो था उसके विषय में डाला गया है कि आर्थिक जो जनगणना हुई है, जातिगत आर्थिक जनगणना हुई है, और जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो शासन से निर्देश है जिसे जांच कर उसको सामान्य सभा में पेश करना। आज हम पूरे भाजपा पार्षद दल ये मांग करने आए हैं कि सिर्फ विशेष परिस्थितियों में समामेलन बुलाने की जो सुविधा होती है, जब कोई आपातकाल होती है। माननीय महापौर और इनकी परिषद ने एक माह पूर्व जाति प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया की गई, एक माह पूर्व अगर कर चुके हैं, चाहते तो वो एक महीने पहले ये समामेलन बुला सकते थे अगर विशेष ज्यादा जरूरी था। शासन से कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि आपको बहुत जल्दी करना है। समामेलन करने का भी समय अवधि आधा दिन का रखा गया है, जो 3 बजे से चालू होकर के 5 बजे समाप्त करना है, और उसमें मात्र 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, और दोनों सब्जेक्ट के आधार पर कोई भी पार्षद को बोलने का भी अधिकार नहीं है। जैसे प्रश्नकाल का एक प्रश्न होता है जिसमें पार्षद अपनी पीड़ा को, इस शहर की पीड़ा को बता सकता है, उसमें भी पार्षदों को बोलने का अधिकार छीना गया है। यह सरकार जो है तानाशाही हो चुकी है और कुल मिलाकर दंडे और अपनी सत्ता के बल पर दबाना चाहती है। दुर्ग शहर आज पूरे गड्ढे से भरा हुआ है, इसका सारा
इसका ताजा उदाहरण आप अभी के पूरा प्रेस मीडिया में देख सकते हैं। कांग्रेसी लोग खुद पद्मापुर में हो चाहे वो इनके पार्षद हो, वो यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं कि सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। मतलब खुद दुर्ग शहर इतना आज खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, लेकिन ये महापौर और माननीय विधायक जी सोए हुए हैं, फोटो खिंचाने की राजनीति कर रहे हैं। और हम इस सम्मेलन को ये चाहते हैं कि ये सम्मेलन को सामान्य साधारण सम्मेलन में परिवर्तित किया जाए, जिसमें पार्षदों को प्रश्न रखने का भी अधिकार दिया जाए। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा बुधवार को बुलाई गई निगम की विशेष सम्मेलन पर बैठक के नियम अधिनियम को लेकर भाजपा पार्षदों ने कहा कि नगर निगम के पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने निगम अधिनियम को लेकर सवाल खड़ा किया था। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर भाजपा पार्षदों ने सभापति को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा जातिगत आर्थिक जनगणना व जाति प्रमाण पत्र स्वीकृत करने संबंधित विषयों को लेकर 20 जुलाई को दोपहर 3 बजे से आधे दिन की बैठक आहूत की गई है और ये बैठक विशेष सम्मेलन के रूप में रखी गई है, जो कि पूरी तरह नियम अधिनियम के विपरीत है। विशेष सम्मेलन के लिए धारा 30 के तहत विशेष परिस्थिति या शासन के किसी मुद्दे पर दिए स्पष्ट निर्देश पर ही बैठक संभव है, लेकिन इन दोनों एजेंडों पर शासन का सामान्य सभा में पारित किए जाने का ही निर्देश है, क्योंकि फिर भी इसे जरूरी माना गया है तो अत्यावश्यक होने की स्थिति में 16 जून को महापौर परिषद में पारित होने के टास्क की 3 दिवस के बाद कभी भी रखा जा सकता था, लेकिन MIC से स्वीकृति पश्चात 1 माह से भी अधिक समय बीत जाने के उपरांत अब विशेष सम्मेलन बुलाना गलत है, जबकि नियम अनुसार सदन में कामकाजी व्यवस्था के अनुरूप पहले पार्षदों के प्रश्नकाल व लोक महत्व पर निगम द्वारा किए गए पत्रकार व्यवहार ऐसे सदन को अवगत कराने की व्यवस्था को कार्यसूची में रखा जाता था और इसके लिए पूरे कार्य दिवस आयोजित किए जाने चाहिए, जिसे निरंक कर विलोपित कर दिया गया है। ये दर्शाता है कि सत्ता पक्ष जनता के प्रति समस्याओं का सामना करने से बचने किस तरह शॉर्टकट तरीका अपनाया है। ये पूरी तरह से नियम अधिनियम के विपरीत व जनता की आवाज दबाने का प्रयास है। इस संबंध में न्यूज टीम को नगर निगम सभापति राजेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज एक ज्ञापन सौंपा गया जो विशेष सामान्य सभा बुलाई गई, इस विषय में है जातिगत जाति प्रमाण पत्र और आर्थिक जनगणना के विषय को लेकर विशेष सामान्य सभा बुलाई गई है और पार्षदों की जो बात है, निश्चित रूप से मैं सहमत हूँ कि लोक महत्व के विषयों का प्रश्न उत्तर लगना चाहिए। इसके लिए आगामी समय में बहुत जल्द साधारण सभा बुलाकर इनकी मांगों का उचित निराकरण। क्या कहते हैं नियम, मतलब क्या रहता है? धारा 30 के तहत विशेष सामान्य सभा बुलाया जाना है, जिसके माध्यम से शासन के द्वारा यह दोनों जो प्रस्ताव हैं इसको अनुमोदन करके शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जाना है, इसलिए विशेष सामान्य सभा का यह आयोजन किया जा रहा है। बहुत जल्द ही साधारण सभा बुलाकर बाकी सब प्रश्नों के इनके उत्तर है, शहर की समस्याओं के विषय में जो इनकी चिंता है इसको दूर कर लीजिए। क्रेडिट सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।